अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WB न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन और ग्वालपोर से ठीक ठिकरी बारी जो दारुल उलूम हैदर करार अशरफ नगर नज़दीक हाई स्कूल ठिकरी बारी, जिसमें यहां जो है कम्बल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो डॉक्टर सचिन प्रसाद के हाथों से और डॉक्टर गुलाम सरोवर के हाथों से दिया जा रहा है। वो तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं इस वक्त ठिकरी बारी दारुल उलूम हैदर करार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। और ये हमारे बहुत इसका मेहनत है और ये गरीब बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे इसलिए और एक इंसान जो इंसान की मदद करता है ये सबसे बड़ी इबादत है। ठीक है, हम इसलिए आप लोग हम आपको आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी इबादत है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे, रायगंज के बच्चे और इसके बच्चे, हमारे ग्वालपोखर के बच्चे बढ़े। मालिक लाइन से आगे में जो भारत नर्सिंग होम है, डॉक्टर नीरी मैम और डॉक्टर भरत और डॉक्टर सचिन प्रसाद और मैम, इनका वाइफ जो है, इनकी अहलिया, इनकी बीवी, वो अभी सिलीगुड़ी में जज है। तो आप लोग जज भी बनेगा ना इंशाल्लाह। डॉक्टर भी है, नर्सिंग होम भी है और हमारा ये समाज सेविक भी है, समाज के लिए आते हैं। आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनकी बातें भी सुन सकते हैं। इनको इनवाइट करने से आपके यहाँ आके आपको अच्छे अच्छे बातें भी बताएंगे इंशाल्लाह। आप ठिकरी बाड़ी इलाके में मदरसा दारुल उलूम हैदर करार में मौजूद हैं और यहाँ आए, आपके कैसा लगा और क्या मैसेज देंगे यहाँ से? मैं दारुल उलूम हैदर करार में यहाँ आया मदरसे में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर्वप्रथम छोटे छोटे बच्चे और वो बहुत गरीब बच्चे, और उस गरीब बच्चों में जब मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। ये छोटे छोटे रायगंज लोकसभा के जो अंतर्गत में जो बच्चे आ रहे हैं और ये गरीब बच्चों को देखकर और यहाँ पे जो तालीम दी जा रही है, यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ मैथ की शिक्षा दी जा रही है, भाषा की शिक्षा दी जा रही है, जनरल नॉलेज की शिक्षा दी जा रही है और हमारे जो हमारे हेड मास्टर साहब है जो हबीबुर रहमान जी, मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं बच्चों को जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ और आगे मैं उनको साइंस की भी तालीम दूंगा, अभी छोटे हैं। तो इससे ये लगता है कि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। कोई भी अगर इंसान अगर उसको फर्श से अर्श पे जाना है, अगर उसको आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा एक सर्वप्रथम एकमात्र माध्यम है कि शिक्षा से माध्यम से वो अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे से जो हो सका मैंने इन्हें बोला है। मैंने कुछ, अभी बहुत ठंड पड़ रही है तो अभी कुछ शीत वस्त्र जो है, कुछ कंबल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बच्चों को दिया और आगे भी कहा कि जो भी दरकार पड़ेगी, अगर किताबों की दरकार पड़ेगी तो भी मैं यहाँ पे उनके लिए मुहैया कराऊंगा। बस मुझे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे दिल में ठंडक महसूस हो रही है कि कुछ कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए। उत्तर दिनाज ग्वालपोर में पहले बार आप स्कूल में आए, बच्चों के साथ जो कम्बल डिस्ट्रीब्यूट किया है, मकसद क्या है सर? देखिए, सबसे पहला तो एक इंसान होने के नाते सबसे पहला मदद ये है कि एक इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए और बच्चे जो है वो हमारे पिलर्स हैं भविष्य के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुलाम सरवर भाई को पहले, कि गुलाम सरवर भाई ने मुझे इनसे मिलवाया और उन्हें बताया कि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं कि बच्चे हैं जो गरीब हैं लेकिन तालीम ले रहे हैं, तो उनका अगर कुछ मदद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं अंततो गतवा में सरवर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर सचिन प्रसाद एक ऐसा नाम है जो इलाके के अलग अलग जगह पर पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यों में वो भाग ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ इनका जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें पकड़ भी बहुत है। और आज आप लोग एक जो दीनी तालीम का इदारा है
वहाँ मौजूद और डॉक्टर साहब भी मौजूद, क्या बोले? मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर सचिन प्रसाद का, उनका सोच का, कि ऐसे सोच ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के बीच में थे, हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। जब हमने मिला और जब उनके साथ एक ताल्लुकात बनी तो मुझे लगा कि हमारे समाज में इससे अच्छा सोच का इंसान और नहीं है, वो आखिरी पायदान का आदमी होगा, वो डॉक्टर सचिन प्रसाद है। मैंने सचिन प्रसाद को देखा कि बच्चों के स्कूल में आके अपने ज़ुबान से इकरार कर दिया वो कि इस स्कूल के बच्चों को, गरीब बच्चों को मैं जो चादर या कंबल वितरण हो रहा है ये बहुत कम है, मैं इनसे आगे जाके एक कदम करूँगा। वो स्कूल के बच्चों के जो किताब है, पेंसिल है, बुक्स है, उनके बारे में भी यहाँ के जो हमारा हेड सदर है हबीबुर रहमान साहब से, उनसे वो जिक्र भी कर लिया इनसे पहले, बैठने से पहले ही। और एक चीज़ और मैंने देखा डॉक्टर सचिन प्रसाद के इसमें, कि गुत्थी में भी गरीबों विधवाओं को चादर बांटा, खुर्रा में भी विधवाओं को चादर बांटा, विकलांगों को बांटा, और दूसरा फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए बेचारा जितना हो रहा भारत नर्सिंग होम में उसने कई पेशेंट को इलाज भी करवाया। मैं तो हैरान हूँ कि एक आदमी समाज का व्यक्ति वो है जो अपना पूरा सब चीज़ छोड़ करके एक गरीब बच्चों के स्कूल में आके अगर समय दे रहा है भैया आज के युग में, तो भैया वो महान शख्सियत है, यही मैं कहूँगा उसके बारे में। और समाज के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, और समाज में ऐसे व्यक्तियाँ और सचिन प्रसाद को देख के इंस्पायर्ड हो और समाज में ये लोग जुड़े, मैं यही दुआ करूँगा इंशाल्लाह। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सचिन प्रसाद और आपके माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी गुलाम सरवर साहब भी मौजूद हैं, आए यहाँ मिले उनसे, तो क्या बोलेंगे, क्या कहना है? मैं तो इस दौर में ये समझूंगा कि समझ लीजिए कि एक इंसानियत तो जो होता है, अभी जो है बहुत कम ऐसे लोग अभी इलाके में मिलते हैं, अभी जो है समझिए इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत लोगों में बहुत कम नज़र आ रहा है, तो उसमें से समझिए कि अब इंसानियत में बहुत नुमाया किरदार अदा कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और मैं डॉक्टर सरवर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मदरसे में आकर हमारे बच्चों की मदद की और हमारे बच्चों की जो हालात है उसको समझा, और डॉक्टर सचिन प्रसाद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो है इंसानियत को जो पेश किया, सारे चीज़ को भेदभाव को ख़त्म करके और इंसानियत को जो पेश किया, तो मैं इसको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इसी तरह अगर इंसानियत बरकरार रहा, इंसान ने इंसानियत बरकरार रहा, तो इंशाल्लाह हमारा जो मुल्क है इसको तोड़ने वाले कोई नहीं होंगे इंशाल्लाह। पढ़ाई बढ़िया से करना इंशाल्लाह। सुनिए ना, कुछ बच्चे के लिए इसको ना तो विटामिन की कमी है, सफेद दाग हो गया, विटामिन डी खिलाना होगा, हम कुछ दवाई लिख के लाएंगे, दे दीजिएगा ठीक हो जाएगा। विटामिन डी नेहा जी डॉक्टर साहब के देखो, डॉक्टर साहब आए, आपको भी डॉक्टर बनना है सर? इंग्लिश में माहिर है सर। अच्छा ये भी तो स्पीड दे दी, हाँ मुझे छोटी को देना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉमिस करते ना। डॉक्टर भाई इनको गोद में ले लीजिए, देखिए ये बहुत क्यूट लग, गुड़िया है, गुड़िया है, गुड़िया ये बेटी है, ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है, चलो ठीक है, सब ठीक है ना, बढ़िया है ना, सब बढ़िया है।